हेलो एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम्स टुडे। तो आज का टॉपिक है डबल पाई चार्ट का डीआई। ठीक है, वैसे तो डीआई पूरा का पूरा टॉपिक ही ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी बैंकिंग एग्जाम में ले लो, चाहे प्रीलिम्स में, चाहे ऑफिसर लेवल का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या क्लर्क लेवल का प्रीलिम्स हो, मेंस हो। खासकर अगर ये प्रीलिम्स में दिख जाए ऐसे डीआई, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इसको। ड्यू टू देयर इज अ सेइंग कि भाई ऐसा परसेप्शन है कि इनका इसमें टाइम बहुत लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट आज के बाद जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे तो आप तुरंत सॉल्व कर डालोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक राइट अप्रोच की जरूरत होती है, और वो राइट अप्रोच आज हम इस लेक्चर में, इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, सेशन को शुरू करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि वी हैव लॉन्च्ड अ स्पेशलाइज्ड बैच फॉर आरआरबी स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड फॉर स्केल 3। द कोर्स फीचर्स विल कंटेन वीडियो क्लासेस फॉर ऑल द सेक्शंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ्स, पीडीएफ्स में सब कुछ मिलेगा। A test series which will contain 10 full length tests and with chapter wise tests also, so that you can find out what are the weaker areas that you need to work upon so that you can strengthen them as well. And a systematic study plan will be provided along with the interview preparation guidance to those students who will clear the mains exam. And one more thing, using this coupon code LK10, you can avail 10% discount also. So what are you waiting for? Okay, course pe aapko free period mil rahi hai and quality content. So hurry up and subscribe to the course. Let's start with the session, today's session. So today's session is about double pie chart DI. तो जब भी कोई भी DI करो तो सबसे पहले directions को अच्छे से पढ़ लो कि उसमें क्या बताया है, take a glance over the question, कैसे कैसे question पूछ रखे हैं, ठीक है, क्या information दे रखे हैं, क्या information पूछी है, इसके बारे में crystal clarity होनी चाहिए। तभी आपके मन में एक framework बनेगा कि ये चीज़ given है, ऐसे हमें करना है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर 15,000 मेल्स, 15,000 मेल्स एंड 10,000 फीमेल्स। ठीक है, तो 15,000 मेल्स है हमारे पास, 10,000 फीमेल्स हैं, वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पाई चार्ट में क्या है, परसेंटेज ऑफ मेल वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो मतलब 15,000 मेल हैं, उनका कितना परसेंट, 15,000 का 25% आईटी में है, 20% डॉक्टर में है, ऐसे 15% सीए है। सिमिलरली 10,000 फीमेल है, तो उसका 20% आईटी में है, 20% ही एचआर में है, 25% डॉक्टर में, डॉक्टर्स हैं। ठीक है, सो मेल्स, टोटल मेल्स का कितना प्रोपोर्शन किस प्रोफेशन में है एंड टोटल फीमेल्स का कितना प्रोपोर्शन किस प्रोफेशन में है, वो सब के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल हुज वर्क प्रोफाइल इज एचआर, मतलब टोटल मेल जो एचआर है। ठीक है, देखो टोटल 15,000 थे हमारे पास मेल, इसमें एचआर कितने हैं, 10%, तो 15,000 का 10% तो कितना हो गया, 1,500 है। तो मतलब जब 1,500 एचआर थे तो टोटल मेल कितने थे, 15,000 थे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एचआर अगर आपके 57,000 हो जाएं, अगर आपके 57,000 एचआर हो जाएं मेल वो भी, ठीक है, तो टोटल मेल प्लस फीमेल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तब तो टोटल मेल की भी वैल्यू बदलेगी, और उसी हिसाब से, क्योंकि मेल और फीमेल रेशो में है ना, आप ध्यान से देखो तो 15,000 और 10,000 3:2 में है। ठीक है, तो अगर ये बदलोगे तो ये भी उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा ताकि रेशियो मेंटेन रहे, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है रेशियो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इस अप्रोच से अगर क्वेश्चंस को करोगे, इस अप्रोच से क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली लेंथी होगा भाई, इतनी कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर तो हो नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अब ये करोगे कि इसको ना, देखो पहले भी एक चीज मैंने अभी आपको बोली कि रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी, तो जब एट लास्ट हमको करना यही है कि रेशियो मेंटेन करनी है, तो क्यों ना हम रेशियो के स्मॉलर नंबर, उसको स्मॉलेस्ट नंबर फ्रैक्शन में बांट दें, स्मॉलेस्ट नंबर्स में रेशियो में बांट दें ताकि हम उसको यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल मेन लोचा तो यही है ना कि 3:2 में बदलना है, तो आप 15,000 टोटल मेल क्यों मान रहे हो, 15,000 और 10,000 मानने की बजाय आप इसको कुछ ऐसा नंबर मानो जो 3:2 में हो, बस दैट्स इट, क्योंकि उस 3 के प्रपोर्शन में ये है कि भाई 3 का कितना परसेंट, कितना प्रोपोर्शन किस किस प्रोफेशन में, ऐसे 2 का कितना परसेंट, कितना प्रोपोर्शन, तो एक हिसाब से ये सारा डेटा रेशियो में, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो 15,000 10,000 लेने के बजाय आप इनकी रेशियो यूज कर लो। ठीक है, अब 3 और 2 आप यूज कर सकते थे, पर 3 और 2 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 3 का 10% निकालोगे तो 0.3 आ जाएगा डेसिमल्स में या फिर फ्रैक्शन में, तो उतना ही कैलकुलेशन मुश्किल है। ठीक है, तो 2 को यूज करेंगे हम। ठीक है, 2 को, तो सॉरी 3 और 2 को नहीं, 30 और 20 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो फाइनली इसका भी वही आएगा। ठीक है, तो मेल को हम मान लेते हैं कि 30 है और फीमेल मान लेते हैं 20 है, तो रेशियो वही हो गया। ठीक है, अब 30 का 10% उसने क्या बोला है, 30 का 10% यानी कि 3 की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 57,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 19,000 के बराबर।
अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मेल प्लस फीमेल, तो कितने हैं भाई, 30 ये हैं, 20 ये हैं, टोटल कितने हो गए 50, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19,000 इंटू 50, 19 × 95, आगे 4 0, दिस इज आवर आंसर। ये आसानी से निकल गया, बहुत ही आसानी से सवाल होंगे, जस्ट अप्रोच थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हुज वर्क प्रोफाइल इज आईटी इज 69,200, मतलब टोटल फीमेल वर्कर जो आईटी में है 269,200, तो ये मेल 30 मान लो, फीमेल 20 मान लो, अब आईटी में कितने हैं 20%, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 20 का 20% यानी कि 1/5 कितना हो गया, 4, 4 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे 69,200, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 × 64, 1 × 2 = 4 × 3 = 12, 17,300, 1 यूनिट की वैल्यू 17,300 आ गई। ठीक है, हम मान के ये तो चल रहे ना कि मेल 30 यूनिट्स हैं और फीमेल 20 यूनिट्स हैं, यही मान के चल रहे थे, तो उसके हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू भी आ गई। आगे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हुज वर्क प्रोफाइल इज लॉ, टोटल फीमेल वर्कर जिनका वर्क प्रोफाइल लॉ है, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मेल वर्कर जिनका वर्क प्रोफाइल आईटी है। ठीक है, तो फीमेल लॉ और मेल आईटी, इन दोनों के बीच में परसेंटेज लेस और मोर करना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पूछा है कि एक्स इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन वाई, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि एक्स माइनस वाई ओवर वाई, वाई से कंपेयर कर रहे हो तो वाई डिनोमिनेटर में जाएगा, इनटू हंड्रेड बचका नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चों वाले काम नहीं करने, आपको क्या करना है एक्स ओवर वाई कर देना, बस दैट्स इट, ये रेशो निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेशो 3:5 आ गया, तो इसका मतलब क्या कि वाई 5 है और एक्स 3 है, ठीक है, तो एक्स कितना कम है, 2 कम है, किससे कंपेयर कर रहे हो, 5 से, 5 को नीचे रखो, 2/5 × 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो उसने चीज पूछी है वो यही पूछी है, परसेंटेज लेस और मोर, यही क्वेश्चन है, परसेंटेज लेस का क्वेश्चन है। तो आप पहले रेशियो निकाल लो, किसकी निकालनी है, पहले फीमेल जो लॉ में है, तो 20 का कितना परसेंट, 10%, 20 का 10% ये लॉ में है, इनकी रेशियो किसके साथ, परसेंटेज लेस देन, कंपेयर किससे हो रहा, मेल वर्कर जो आईटी में है, तो आईटी में कितने हैं आपके, 30 का 25% निकाल लो, परसेंट से परसेंटेज शहीद हो गया। आगे क्या आ गया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 × 4 = 20 और 2 × 15 = 30, तो कितना आ गया x और y की वैल्यू, अगर इसको x और y मान लो, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/15। अब x कितना कम है y से, 11 कम है, किससे कंपेयर कर रहे हो, y से, यानी कि 15 से, तो 15 डिनोमिनेटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, आंसर निकाल लो, 220/3 यानी कि कितना हो गया, 3 × 7 = 21, 1 बच गया, 3 × 3 = 9, 73.33%, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें हमारा तो सिर्फ इससे काम चल गया। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऐसे दी हुई है, परसेंटेज में या फिर रेशियो में दी हुई है, ठीक है, और आपको जो पूछा हुआ है वो भी आपको ऐसा ही पूछा हुआ है, तो आपको ओरिजिनल वैल्यूज की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा परसेंटेज से खेल सकते हो या फिर रेशियो से खेल सकते हो। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, ठीक है, दे आर कोइंसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 60% ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इक्वल 2490, मतलब 30 मेल मान के चल रहे हैं हम, 20 फीमेल मान के चल रहे हैं, अब इसमें से भी फीमेल जो वो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कितने हैं 25%, तो 20 का 25% यानी कि 20 का 1/4, ये तो फीमेल डॉक्टर्स हो गए, अब इसका भी 60% यानी कि 3/5, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 2490 के, ठीक है, तो 5 × 20 ये तो कट गया, 3 की वैल्यू 2490, 1 की वैल्यू आ गई 3×8 = 24, 830। ठीक है, अब क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फीमेल जिनका वर्क प्रोफाइल एचआर है, तो एचआर कितने हैं 20 का 20% यानी कि 20 का 1/5 यानी कि 4। ठीक है, अब आगे क्या है, नंबर ऑफ एंड सम ऑफ मेल, सम ऑफ फीमेल हु आर एचआर एंड नंबर ऑफ मेल हुज वर्क प्रोफाइल इज आईटी। ठीक है, तो टोटल 30 मेल मान रहे हो, उसमें आईटी कितने हैं 25% यानी कि 30 का 1/4 यानी कि 7.5। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का सम कितना हो गया 11.5, 1 की वैल्यू है 830, तो 11.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 830 इंटू पहले 11 कर लो प्लस 830 का हाफ यानी कि 415। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33, 88, 391 प्लस 415,
9100 प्लस 400 9500 30 प्लस 15 कितना हो गया 45 तो 9545 इज योर आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 80% ऑफ मेल वर्कर्स हुज वर्क प्रोफाइल इज सीए 80% ऑफ मेल वर्कर्स ये रहे 30 ये रहे 20 ये मेल वर्कर्स हैं जिनका वर्क प्रोफाइल सीए हो तो 30 का 15% किसके बराबर है सीए मेल जो वो मेल जो सीए ठीक है और उसका भी 80% यानी कि 4/5 इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 2700 के बराबर आगे क्या पूछा है व्हाट इज द रेशियो भाई रेशियो पूछिए इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ 30% ऑफ मेल वर्कर्स जिनका वर्क प्रोफाइल इंजीनियर है 30% ऑफ मेल वर्कर्स हुज वर्क प्रोफाइल इज इंजीनियर तो इंजीनियर कितने हैं 30 का 30% एंड देन उसका भी 30% ठीक है आगे क्या है किसके साथ 45% ऑफ द फीमेल हुज आर हुज वर्क प्रोफाइल इज लॉ ठीक है तो 20 लॉ में कितने हैं 20 का 10% और फिर उसका भी 45% इसकी रेशो निकालनी थी तो बस निकाल दो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया 10 से 30 कट गया 3 आ गया इधर भी परसेंटेज से परसेंटेज शहीद हो गया 15 × 30 15 × 45 3 से 3 कट गया और 2 से यहाँ कितना कट गया 20 कट गया कितना आ गया 10 तो रेशो कितना आ गया 3/1 यानी कि 3:1 दिस इज द आंसर ठीक है सिंपल क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकलते हैं थोड़ा देर निकलेंगे जस्ट अप्रोच सही रखनी है ठीक है क्या क्या ख्याल रखना है जब भी डबल डीआई है बस दोनों डीआई के बीच में रेशो चेक कर लो कितनी है उसके बाद आंसर तुरंत निकलेंगे चलिए लास्ट क्वेश्चन इधर टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हुज वर्क प्रोफाइल इज इंजीनियर टोटल नंबर ऑफ मेल जिनका वर्क प्रोफाइल इंजीनियर है ठीक है एंड दे आर 15,390 ठीक है तो इंजीनियर्स कितने हैं 30 का 30% यानी कि 9 उसकी वैल्यू किसके बराबर है 15,390 के बराबर तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9×9 6 बच गया 3 उतरा 9×63 9×9 1 यूनिट की वैल्यू 1710 आ गई आगे क्या करना है डिफरेंस निकालना है किसका मेल हुज वर्क प्रोफाइल इज आईटी तो मेल जिनका आईटी है तो 30 का 25% यानी कि सिंपल वही 7.5 एंड डिफरेंस किसके साथ किसके साथ फीमेल हुज वर्क प्रोफाइल इज एचआर तो 20 का 20% यानी कि 20 का 1/5 यानी कि 4 ठीक है अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट ठीक है एक यूनिट की वैल्यू निकाल चुके हो तो 3.5 की निकाल लो 1710 × 3 प्लस उसका हाफ तो 2×8 = 16 का 1 × 2 = 10 1 × 2 = 10 ठीक है तो 30 × 17 = 51 ठीक है तो 51 + 800 5900 30 + 55 85 तो 5985 दिस इज आंसर क्लियर तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट एक राइट अप्रोच की जरूरत है एंड आई होप यू हैव लर्न्ड दैट अप्रोच थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करने की जरूरत है उस पर भी आप ध्यान देकर इसको बहुत आसानी से बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है एंड नाउ इफ यू हैव लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द बैच यू कैन परचेज द बैच इट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड दिस इज माई प्रॉमिस ओके सो इससे पहले भी हमारे को सक्सेस स्टोरीज रही हैं जैसे कोर्स के फीचर्स के बारे में आपको बता दिया है तो 2020 में यानी कि लास्ट ईयर ही सेम प्रोफाइल के लिए स्केल टू वीडियो स्केल 3 के लिए जो हमने कोर्स चलाया था उसमें ये सारे सक्सेस स्टोरीज हैं दीज आर आवर स्टार्स हु हैव क्रैक द एग्जाम ठीक है आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम और प्लेजर एंड In for the same profile in 2019, one of our students Tripti Arora, she secured first rank. ठीक है, इन सब के अलावा आपका भी चेहरा हो सकता है next session में, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और इसके साथ साथ और भी कई सारे profile जैसे Bank of India Great Officer के लिए, Vijay Bank Great Officer के लिए, Bank of India Great Officer के लिए, so BOB Wealth Management, so the list goes on continues. We can talk about it, you know, for a long time, but let's just keep it short. आज का सेशन यही एंड करते हैं एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टॉपिक टेक केयर